Redmi Note 7 लॉन्च हो चुका है और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा Redmi Note 7 Pro का, जिसमें आपको रियल 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा मिलेगा। तो आपको जैसे कि पता होगा Redmi Note 7 रिलीज हो चुका है चाइना में, लेकिन 12 मेगापिक्सल और 48 मेगापिक्सल में कोई खास डिफरेंस नहीं है। क्यों नहीं है और इसमें क्यों है, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वीडियो पे बने रहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम अर्षद गोपाल। सबसे पहले बता दूँ, Redmi Note 7 में आपको 48 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा, लेकिन वो उतना अच्छा काम नहीं करता। लो लाइट फोटोग्राफी में भी उसका कोई परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें आपको सैमसंग का सेंसर मिलेगा। लेकिन Redmi Note 7 Pro आपको ट्रू 48 मेगापिक्सल कैमरा के साथ मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको सोनी का IMX86 का सेंसर मिलेगा। और जहाँ तक बात करें इस फोन के लॉन्च डेट की, तो वो तो अभी कन्फर्म नहीं है। Redmi Note 7 लॉन्च हो गया, मे बी ये इंडिया में आएगा अभी, इसको लग सकता है मार्च या अप्रैल तक, तो इस टाइम तक ये लॉन्च हो जाएगा इंडिया में। और जहां तक बात करें प्राइस की, तो ये पड़ सकता है आपको 16,000 रुपीस तक इंडिया में। ओके, सो और जहां तक बात करें इस फोन की बैटरी की, तो ये 4000 mAh का और स्नैपड्रैगन वही रहेगा 660। बाकी जो इसका जो कैमरा होगा वो इसका मेन हाईलाइट है। जो Redmi इतना मार्केटिंग कर रहा था 48 मेगापिक्सल करके, लेकिन रियलिटी में उतना कोई डिफरेंस नहीं है। जो ट्रू 48 मेगापिक्सल वाला फोन होगा वो होगा सिर्फ आपका Redmi Note 7 Pro, क्योंकि इसमें आपको सोनी का सेंसर मिल रहा है। उसमें सैमसंग का था, लेकिन इसमें आपको ट्रू 48 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा और लो लाइट भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपको सिंपल पता है सोनी का जो कैमरा रहता है वो काफ़ी अमेजिंग रहता है। तो अगर आप इसे कैमरा के लिए ले रहे हैं Redmi Note 7 को, तो इतना वेट कर लियो, तो थोड़ा और वेट भी कर लो, आपको मिल जाएगा ट्रू 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा सिर्फ 15,000 to 16,000 के। और ये आपको 3GB रैम में नहीं मिलेगा, और इसका जो 3GB वाला ऑप्शन है उसको Xiaomi ने हटा दिया, यानी Redmi ने हटा दिया, क्योंकि अब तो Redmi Xiaomi का सब ब्रांड बन चुका है। ओके, तो हाँ, इसमें आपको ये 3GB रैम में अवेलेबल नहीं है, 4GB रैम में है और एक 6GB रैम में। तो ये था मेरा ओपिनियन। तो अगर आपको इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई एम अर्षद गोपाल एंड आई एम साइनिंग ऑफ।